Hey, what's up, everybody? This is Chopatown. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़े ही टाइम में हम इधर से शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी ज़रा पैकिंग चल रही थी, तो साथ साथ मैंने कहा आपके साथ रिव्यू वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो वो ऑनलाइन ऑर्डर मैंने किया था, तो वो मुझे रिसीव हुआ। वॉलेट है, जेंट्स वॉलेट। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको मतलब रिव्यू दे दूँ, कि ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मुझे जो चीज़ रिसीव हुई है वो किस तरह की थी। जब मैं चाह रही थी मुझे वैसी मिली या उससे थोड़ी ऑपोजिट थी। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। वर्जिस जो है वो ब्रांड का नेम है, वो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी। तो उसके अलावा जो इनकी मुझे डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट एक हफ़्ते के बीच बीच में मैंने ऑर्डर किया था, उसके अंदर एक हफ़्ते में मुझे रिसीव हो गई थी। तो डिलीवरी सर्विस जो है इनकी बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद में इनकी शॉप भी है, तो अगर वहाँ से आप परचेज करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इनकी सेल ऑफ़र चल रही थी, आई थिंक 36% डिस्काउंट था। तो इधर हम अपना जो पार्सल मैंने वैसे तो पहले खोल लिया हुआ, मुझे बाद में याद आया कि अच्छा आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली पार्सल रिसीव जब मतलब डिलीवरी बॉय आया था, तो रिसीव भी मैंने किया था, तो मुझे उसका हाथ लगा के ऐसे लगा कि अंदर तो काफ़ी ही मतलब छोटा वॉलेट है, लेकिन जब खोला इसकी पैकेजिंग जो है वाकई काफ़ी अच्छी की हुई थी। ये जूट में जो है ये रैप था, इनके ब्रांड का जो टैग है वो भी साथ लगा हुआ था। ये थोड़ी मतलब ग्लू ऐसी थी कि वो मैंने खोला है तो वो उतर गया, और इस तरह नॉट दी हुई थी अंदर जो है ये पर्स जेंट्स वॉलेट, वो रैप था ऐसे। तो बात की जाए कि इनकी रैपिंग कैसी थी, तो वो काफ़ी अच्छी, डैमेज मुझे प्रोडक्ट कोई भी रिसीव नहीं हुई। इवन ये सेल प्रोडक्ट थी, तो इनकी मतलब ये चीज़ अच्छी है। और इस तरह देख रहे हैं कि इनका टैग जो है लोगो कह सकते हैं ब्रांड का, वो भी साथ लगा हुआ है। बाकी ये मतलब जिस तरह की पिक्चर है वो भी मैं आपके साथ अटैच कर देती हूँ। मतलब उसमें ये थोड़ा लग रहा था कि बड़ा होगा, लेकिन उस हिसाब से ये मतलब एक स्मॉल डायरी, पॉकेट डायरी के साइज़ जितना है। वो तो कोई मसला नहीं कि अगर पॉकेट डायरी जितना भी है, लेकिन मुझे तो उम्मीद थी कि मतलब स्पेस अच्छी होगी, लेकिन इसमें स्पेस कुछ इतनी खास ही नहीं है। आप इसमें अपने थोड़े से पैसे और आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड ये रखेंगे, और आपका जो है पर्स में मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं होगी। बाकी चीज़ें भी मैं आपको एंड में रख के दिखाऊंगी कि ये उसके बाद कैसा, लेकिन इसको इवन कह रहे हैं उनके कहने के मुताबिक कि इसमें प्योर लेदर यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं पतला सा था कि आपको अगर मैंने जैसे पार्सल रिसीव किया तो मुझे उसमें था कि नहीं है, मुझे शायद कोई और चीज़ रिसीव हो गई हुई है। तो मैं तो मुझे तो लगा मैं उस हिसाब से आपको रिव्यू दे रही हूँ कि मतलब अगर पिक्चर आप देखें तो इसमें ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ भी अच्छा थिक ज़रा फील हो रहा है, लेकिन रिसीव होने के बाद ये मुझे मतलब थोड़ी डिसअपॉइंट हुई कि नहीं ये मैंने शायद गलत चीज़ ऑर्डर कर ली है। तो बाकी पिक्चर मैंने ये शेयर की है, ये प्रोडक्ट मंगवाई थी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो ये इस तरह की इमेज है, इसमें ज़रा अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन असल में इट्स नॉट सो गुड। ऑफ के बाद ये मुझे कुछ 2100 रुपये 2100 रुपीज़ में पड़ा है डिलीवरी चार्जेस समेत। तो बाकी जो है आपको खुद भी आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ मतलब किस तरह की, लेदर अच्छा है लेकिन मतलब उस हिसाब से मतलब उतना पायदार नहीं लग रहा कि हाँ भाई ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग जो है पर्स चलेगा। इससे पहले जो है ब्रेकआउट का मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया है, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 साल कह सकते हैं बड़ा अच्छा चला है, उसका लेदर अभी भी ख़राब नहीं हुआ और वो काफ़ी इससे बेटर था। ये आप देख सकते हैं, डिटेलिंग भी मैंने आपको दिखा दी, स्पेस इसमें कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ आप रख सकते हैं, तो उसके रखने के बाद आपके पास कितनी स्पेस बचेगी, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। ये देखें अब मैंने रैप करके रख दी है कि बस मुझे नहीं पसंद। और उसके अलावा हम जब हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई तो कांटेक्ट किया इनके इंस्टाग्राम आईडी पे, तो उन्होंने मतलब रिस्पांस अच्छा दिया, बट
अगर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो यही के डिलीवरी चार्जेस जब हम ये इस्लामाबाद उनके आउटलेट पे भेजेंगे उसके, और जब हम अपना जो दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं उसके डिलीवरी चार्जेस भी हमें ही पे करने पड़ेंगे, तो तब भी चीज़ अगर इतनी अच्छी ना आए तो फिर फ़ायदा तो नहीं। इसलिए मैंने कहा कि चलें अब क्या करें, अब आया है तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो बाइक की पैकिंग मैंने कहा डिटेलिंग जो है आपको दिखा दो, इस तरह की है जूट का, काफ़ी अच्छी पैकिंग, काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है जितनी उन्होंने इमेज दिखाई है। या हम लोग तो ऑफिस से ऑनलाइन शॉपिंग करें तो तस्वीर जो लगी होगी उसी को देख के ऑर्डर करेंगे। तो बाकी आप भी ज़रा डिटेल्स लेके फिर ही आप जो है इसे ऑर्डर करिएगा। बाकी सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। सारी डिटेल्स मैंने इस पर्स के बारे में आपको दे दी हैं, तो उसके अलावा डिफरेंशिएट भी करवा दिया हुआ है कि पिक्चर में और रियल चीज़ में कितना फ़र्क है। तो होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप इसी तरह मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे और वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।